जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल ट्रेडिशन के साथ। आज की मेरी रेसिपी है टर्कस सूप की, और मैंने लिया है 1 kg चिकन बोन के साथ। अब मैं इसका सूप बनाऊंगी। सूप में जो वेजिटेबल और मसाले ऐड करेंगे उसमें ये 1.5 tablespoon कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने, और कुछ जवे लहसुन की ली है मैंने, और साथ में पापरिका लिया 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon मैंने लिया ब्लैक पेपर, 1 teaspoon साल्ट लिया और 1 chili लिया है दरमियाने साइज की, और इस तरह से मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया, और साथ ही मैंने कैरेट लिया मीडियम साइज की, वो भी इस तरह चॉप कर लिया, और साथ ही मैंने लिया शिमला मिर्च 1/2, वो भी इसी तरह से मैंने चॉप कर लिया, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड जाएंगे सूप में, और साथ ही जो इसमें मसाले जाएंगे वो पार्सले जाएगी, और साथ में जाएगा चिकन सीजन, सोया सॉस और रेड चिली, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे सूप में हम। और साथ में मैंने लिए है ये मैगी, ये भी इसमें ऐड करेंगे। अब चलते हैं सूप बनाने की तरफ। सबसे पहले हम चिकन को वन एंड हाफ टेबल स्पून मैंने बटर लिया है वो इसमें ऐड करेंगे। हमारा तो हो गया इधर विंटर शुरू, और विंटर में आप लाजमी ये सूप बनाएं, बहुत टेस्टी सूप बनेगा। अब इसे थोड़ा सा हमने भून लेना, हाई फ्लेम के ऊपर ही इसे हमने भूनना है। तो चिकन हो गया हमारा रेडी। अब इसमें हमने वाटर ऐड करना है, गरम वाटर, और साथ ही इसमें जाएगा 1 मोटी वाली इलायची जाएगी इसमें, और साथ ही इसमें गरम वाटर ऐड कर देंगे। जितना सूप आपने तैयार करना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें, और साथ ही इसमें लहसुन डाल देंगे। अब इसकी स्मेल खत्म हो गई है, आप थोड़ा सा इसे किसी भी ऑयल में, बटर में, घी में आप भून लें पहले, तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है यखनी से। और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर और 1 teaspoon साल्ट, और साथ ही मैं इसमें वाटर ऐड करूंगी, और 1.5 liter वाटर मैंने ऐड किया है इसमें। अब इसे हाई फ्लेम के ऊपर ही हमने 15-20 मिनट पकाना है हमारा, जब तक चिकन कुक ना हो जाए। अब इसमें 1 tablespoon ओलियो लीवे का ऐड करूंगी मैं, और साथ ही इसमें कैरेट ऐड कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर ही।
और साथ ही इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे रेड वाली और साथ ही ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो ना ऐड करें, स्पाइस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हाफ टी स्पून साल्ट ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर। चिकन को हमने इस तरह से स्लाइस में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, इसके रेशे रेशे हो गए हैं चिकन के। अब इसे हम मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा चिकन पाउडर और साथ ही इसमें पापरिका जाएगी, ये कलर के लिए होती है, इसका कलर आता है बड़ा जबरदस्त। और साथ ही इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टीस्पून इसमें हम सूप ऐड कर देंगे। अब इसे 15-20 मिनट हमने कुक करना है, 10 से 15 मिनट इसे लगवाएंगे हम। और साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लेमन डाल देंगे, अगर फ्रेश हो तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस ऐड करेंगे हम। और साथ ही इसमें पार्सले ऐड करेंगे, साथ ही इसमें हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे इसे थिक करने के लिए। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और साथ ही इसे मिक्स करते जाएं। अगर लगे कि कम ठीक है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें कॉर्नफ्लावर। अब हम डिश आउट करते हैं इसे।
तो ये रही इसकी फाइनल लुक टर्किश सूप की, बहुत टेस्टी बना है। और आप भी बनाएं, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच, फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।